अरे गिर जाओ ए। यहाँ पर इधर आ गए थे, कहाँ पे मंदिर तक आ गए थे, फिर तेज हो गया पानी। हेलो राधे राधे, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दशहरे का दिन है और अभी शाम का टाइम हो रहा है। सो यहाँ पर ना अब जो है नौ दिन मैया की हो गई, नौ दिन मैया रह करके अब मैया की विदाई की तैयारी हो रही है। और इसीलिए ना गली की सभी औरतें आ गई हैं मैया के दर्शन करने के लिए। और अब मैया अगले नौ दुर्गों में ही आएंगी जो कि चैत के महीने में पड़ेंगे। और ये नौ दिन मैया की वजह से गली में इतनी रौनक रहती थी रोज़, मतलब सभी पूरे नौ दिन ना महिलाएं अपना काम ख़त्म करके यहीं मैया के पंडाल में बैठी रहती थी। डांस वगैरह होता था, भजन कीर्तन होते थे रोज़, सुबह शाम मैया की आरती होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब मैया के जाने से ना पूरी गली एकदम सुनी हो जाएगी और मैया की विदाई के लिए ढोल बाजे भी आ गए। तो ढोल बाजे के साथ मैया की विदाई होगी। और गाड़ी जो है गली के बाहर खड़ी हुई है, यहाँ नहीं है। तो अभी ना दो लड़के मैया को गोद में उठा करके ले जाएंगे, फिर वहाँ से गली के बाहर जा करके, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है रोड पर, तो वहाँ वो जो है गाड़ी में बिठा देंगे मैया को। और पूरे रास्ते में ढोल बजाते हुए, रंग गुलाल उड़ाते हुए जो है मैया की विदाई होगी। और पता है लेकिन मैं तो मैया की विदाई में नहीं जा पाऊँगी, और इसलिए मैं आपको मैया की पूरी विदाई नहीं दिखा सकती, बस यहीं तक इसी गली तक ही दिखा सकती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी फ्राइडे की सुबह हो रही है। थर्सडे को मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। क्योंकि ये जो चढ़ता उतरता मौसम होता है ना, इसमें मुझे थोड़ा एलर्जी की दिक्कत हो जाती है, बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। और जुकाम इतनी तेज़ होता है कि पूरे दिन छींक में छींक आती रहती है, सिर में दर्द रहता है। तो इसलिए कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। थोड़ा सा तांशु को पढ़ाया भी था, तो इसलिए कल कोई वीडियो नहीं बना पाई। और अभी बस फ्राइडे की सुबह है, तो मैं यहाँ पर बेडशीट सही कर रही हूँ। और ये बेड पे जब मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो सिर्फ एक ही साइड से दबा पाती हूँ, ये ऊपर की साइड से, बाकी तीनों साइड से ओपन है। क्योंकि जो गद्दे हैं ना वो इतने हैवी हैं कि उठाते ही नहीं बनते हैं, तो इसलिए फिर ये नीचे ऐसी ओपन ही रहती है। और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ। और टीवी जिस टेबल पर रखी हुई है ना, उस टेबल पर अभी कवर नहीं बिछा हुआ है, तो ऐसे ही पेंट होने के बाद छोटे मोटे कुछ काम रह गए हैं। तो अभी दो तीन दिन के लिए यहाँ पर हूँ, तो वो काम मैं करवा दूँगी। और ये वेजिटेबल बास्केट भी गंदी हो रही थी, तो ये भी मैंने सब साफ़ कर दिया है। इसमें ऊपर का न्यूज़पेपर दूसरा बिछा दिया है मैंने साफ़ करके। और जो ख़राब सब्जी हो रही थी वो मैंने हटा दी है। और ये प्याज में भी ना छिलके मिक्स हो रहे थे, तो छिलके हटा करके प्याज भी साफ़ करके मैंने इसमें रख दी है। और अभी बस मैं जल्दी से पूरे घर में पोंछा लगा दे रही हूँ। मम्मी नहा करके अपना किचन में लगी है खाने पीने की तैयारी में, बस मैं और तांशु रह गए नहाने के लिए। तो मैं बस ये जल्दी से पोंछा लगा दूँ, उसके बाद नहाना ही है मुझे। तांशु अभी दूध पी के फ्री हुए हैं, इनको भी नहला दूँगी फिर मैं। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, हेयर कॉम करके छुट्टी भी कर ली है। पापा भी अपना नहा करके रेडी हैं, पापा अपना डॉक्टर को जा रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि पापा को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट में गैस बहुत बनती है। और दो तीन दिन से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था, तो इसलिए डॉक्टर को जा रहे हैं दिखाने।
और अभी मम्मी भी रेडी हैं साड़ी पहन करके। मैं मम्मी की साड़ी पहन लगा रही हूँ, तांशु भी तैयार हैं, तो हम तीनों मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और मौसी भी हमारे साथ जा रही हैं, मौसी को अपने लिए साड़ी लेनी है, तो पहले हम मौसी के घर जाएंगे, फिर वहीं से सीधे मार्केट के लिए निकलेंगे। और फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं मौसी के घर, तो यहीं से मार्केट के लिए निकलना था। और यहाँ बारिश तेज होने लगी है, जब घर से निकले थे तब हल्की हल्की हो रही थी, मैंने कहा चलो अब पहुँच जाएंगे घर तक, भीगेंगे नहीं, लेकिन यहाँ आते आते तक तेज बारिश हो गई, देखो बाल भी गीले हो गए हैं कपड़े भी हल्के हल्के भीग गए क्या निकाला उसमें से, नमकीन का पैकेट बंद हो गया, तो नहीं नहीं यार हल्का हल्का नहीं, यहाँ पर इधर आ गए थे, कहाँ पे मंदिर तक आ गए थे, फिर तेज हो गया पानी, यहाँ आकर के फिर और तेज हो गया, अब तो लग रहा बंद हो गया मुझे, पता नहीं नहीं पड़ रहा है, बारिश तो हो रही है, चलो अभी तो हो रही है बारिश। ओहो आ गए स्कूल से, तांशु अपने फोन में लगा हुआ है, एक बार सुबह जगाने के लिए मैं जा रही हूँ अरे गिर जाओगे, जाओ कपड़े चेंज कर दिया पहले, है इतनी भारी बोतल कहाँ हो गई, हाँ पानी नहीं पिया, क्यों नहीं पिया आपने पानी, वैसे तो मैं पूरे दिन प्यास लगती है, हैं? मैम नहीं जाने दे रही थी, अच्छा मैम जाने नहीं दे रही थी, तांशु ऊपर आ रहा है, ऊपर नहीं मैं तो नीचे हूँ, जा पहले कपड़े चेंज कर आओ, हैं? और जैसे ही बारिश बंद हुई है हम लोग मार्केट के लिए निकल आए हैं, और लेकिन जैसे ही हम लोग ऑटो में बैठे हैं वैसे ही हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तेज़ बारिश नहीं है बस हल्की सी बूंदाबांदी ही है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे ही हम लोग ऑटो से उतरे मार्केट में पहुँचें और तेज़ बारिश शुरू हो जाए और हम शॉपिंग ही ना कर पाएँ कुछ भी। और अभी हम लोग शाहगंज मार्केट में आए हुए हैं, शाहगंज के लक्की साड़ी एम्पोरियम पे हैं, जो कि बहुत ही फेमस दुकान है आगरा की, जहाँ पर आपको ना हर वैरायटी की साड़ी मिल जाती है, तो यहाँ पर हम मौसी के लिए साड़ी देखने आए हैं, मौसी मम्मी दोनों देख रही थी अपने लिए साड़ी, लेकिन यहाँ पर भीड़ ही इतनी थी कि देखिए हम एक साइड में बैठे हुए हैं और वहीं पे वो हमको साड़ी ला करके दिखा रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मतलब कोई साड़ी पसंद ही नहीं आई, वहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं रहे थे भीड़ की वजह से। फिर मैं यहाँ पर फुआरे मार्केट आई अपने लिए सूट लेने, और आज हमें शॉपिंग तो बहुत सारी करनी थी क्योंकि त्यौहार नज़दीक आ रहा है, करवा चौथ भी आ रहा है, मुझे भी करवा चौथ के लिए सामान लेना था, लेकिन मार्केट में भीड़ इतनी थी, इतना रश था कि कुछ ज़्यादा ले ही नहीं पाए, बस मौसी ने अपने लिए साड़ी खरीदी है और मैंने अपने लिए सूट लिया, तो सूट तो मैंने अपना वहीं साथ ही साथ फिटिंग के लिए डाल दिया है। और अभी हम आ गए मौसी के घर पर सीधा शॉपिंग करके, और ज़्यादा शॉपिंग तो हम कर ही नहीं पाए, तो यहाँ पर मम्मी काव्यान से बातें करने लग रही हैं, कुछ पूछ रही है, तो वही हंसी मजाक चल रहा है अभी यहाँ पर। कितना कितना तेज चीख रहे हो, कितना तेज, धीरे बोलो धीरे, चिप्स खा लिए, खा लो,
भूत की पिक्चर क्यों देख रहे हो? डरोगे नहीं हो? बोलोगे डर लग रहा है? चलो। और अभी यहाँ पर चल रहा है हमारा चाय नाश्ता। चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे। और आज मुझे सुबह थोड़ा सा जुकाम में रिलैक्स फील हो रहा था, लेकिन जब अभी दिन में हम मौसी के घर के लिए आए हैं तो रास्ते में बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा भीग गए थे, सिर तो भी थोड़ा सा गीला हो गया था। सो इसलिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है, हल्का सा जुकाम भी लग रहा है मुझे कि फिर से हो गया है। चलो आ जाओ, चलो सीधे चलो, नानी का हाथ पकड़ लो। और फ्रेंड्स अभी मैंने मौसी के यहाँ से आकर हाथ मुँह धो के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, या ऊपर वाले पोर्शन में आप लोगों से बात करने आई हूँ। और आज हम तीनों माँ बेटी इतना सज सज के शॉपिंग करने गए थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सब के किराए पे पानी फिर गया, ये समझ लो। इतनी लंबी लिस्ट बना के गए थे कि ये सामान खरीदना, वो सामान खरीदना, करवा चौथ का दीपावली का सामान खरीदना, मुझे भी अपने सासू माँ के लिए साड़ी लेनी थी, मेकअप किट बनवानी थी उनके लिए, और अपने लिए भी मेकअप का थोड़ा बहुत सामान लेना था, सूट भी लेना था अपने लिए, और मम्मी मौसी दोनों को भी अपने लिए सामान खरीदना था करवा चौथ का, दीपावली लिखा, और भी बहुत सारा सामान खरीदना था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक तो बारिश हो गई तो बारिश की वजह से हम यहाँ से लेट निकल पाए, है ना। उस पे भी वहाँ जब मार्केट पहुँचे हैं तो वहाँ इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि मतलब क्या बताएं आपको, मतलब बैठने की जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से तो हमको बैठने की जगह मिली, बैठने की जगह मिली तो कोई साड़ी दिखाने वाला नहीं था, और साड़ी देख किसी ने एक आध दो साड़ी देखी भी हमने तो वो हमको समझ में नहीं आई। बहुत मुश्किल से एक दो साड़ी पसंद आई तो मौसी ने ही ले ली, ना तो मैं कुछ ले पाई, बस मैंने अपने लिए सूट लिया, बाकी कुछ नहीं खरीद पाया, ना ही मम्मी ने कुछ ले पाया, ऐसे ही खाली हाथ ही आना पड़ा, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी देखने की, वहाँ पे कहाँ बैठने की जगह ही नहीं थी, और फिर अगर थोड़ी बहुत जगह मिल भी रही थी तो कोई दिखाने वाला नहीं था, सब बिजी थे कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर बहुत पहले से आकर के बैठे हुए थे, और ऊपर से शादियों का सीजन और स्टार्ट हो रहा है तो शादियों की शॉपिंग और चल रही थी, तो इसलिए कुछ भी नहीं खरीद पाए, खाली हाथ ही आ गए हैं। तो इसलिए अब तो मैंने सोच लिया है जब भी शॉपिंग करनी हो ना करवा चौथ की, तो नौ दुर्गों में ही कर लो, बात के लिए मत बैठो कि आप करवा चौथ के आसपास ही करोगे, वो मत सोचो, नौ दुर्गों में ही कर लो, अगर हो सके तो नौ दुर्गों से पहले ही कर लो। तो अब तो मैं ऐसे ही क्या करूंगी भाई, लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल नहीं बैठा करूंगी शॉपिंग के लिए, वरना तो कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। और अब मुझे अपनी सासू माँ के लिए साड़ी खरीदनी है, उनके लिए मेकअप किट भी बनवानी है, अब देखते हैं। मेकअप किट तो मैं यहीं से पास में कॉस्मेटिक शॉप से बनवा लाऊंगी, लेकिन साड़ी का देखते हैं क्या करना है, कहाँ से लूँ मैं, सोचते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।